हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली आपका डीआरडीओ का सेप्टेम्बर टेम्प यानी कि ए एडमिन एंड अलाइट का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। ये रिजल्ट कल ही आउट हो चुका था और मैं सुबह से ही चेक करने की कोशिश कर रहा था तो उसका सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, बट अभी काफ़ी अच्छे से वो वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैंने भी अपना रिजल्ट चेक किया, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप लोग पूछ रहे थे कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। और मैंने तो मतलब बिना पढ़ के भी नहीं किया था, बट जस्ट एनालिसिस के लिए दिया था। आपको एनालिसिस भी बताया था, पूरे आपके 65 प्लस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिए थे क्योंकि मैं एनालिसिस करने गया था प्रॉपर, है ना। तो वो मैं आपको दिखा दिया, बट फिर भी जो मेरा स्कोर है मुझे विश्वास नहीं हो रहा वही इतना आ गया, ठीक है। तो वो आपको दिखाऊंगा, आपको चेक कैसे करना है वो बताता हूँ, ठीक है। एक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप रिजल्ट की जो विंडो वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से चेक कर लेना। नहीं तो आप टेलीग्राम की भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देखिए ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, नीचे लिंक दे दूंगा। अगर लिंक वर्क नहीं करे तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च मार लेना द एग्जाम हेल्पर। यहाँ पर देखिए ये वाली लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है चेक हो जाएगा। मैंने अभी डाला है, इस लिंक से अभी काम कर रही है। और इस तरीके का एक फॉर्मेट आपका ओपन हो गया आएगा, मैं अभी आपको रिजल्ट के माध्यम से चेक करके बता दूंगा। यहाँ पर आपको आपके किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसी के नीचे कट ऑफ की विंडो आ जाएगी, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपका जो मेरा जो रिजल्ट है वो दिखाता हूँ, ठीक है। और आप बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना रिजल्ट चेक करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा था एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। ये लिंक मैंने आपको बता दी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो मैं ये भर के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और रोल एप्लीकेशन नंबर भर दिया। अब मैं यहाँ पर कैप्चा फिल करके फिर आपको बताता हूँ सबमिट करके। तो दोस्तों, मैंने कैप्चा फिल कर दिया, चलो अब मैं इसे सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबमिट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट खुल के आ चुका है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये मेरी एप्लीकेशन नंबर है और ये मेरा नाम है। चलिए मैं आपको नीचे अपने मार्क्स दिखाता हूँ, कितने मेरे मार्क्स बने और इतने मार्क्स के बावजूद भी मेरा नहीं हुआ है और क्या कट ऑफ कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो मेरा परसेंटाइल स्कोर है वो 97.64 आया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, 100 में से मतलब 97 लाने के बावजूद भी मेरा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम था दोस्तों, बस मैं ऐसे ही देने चला गया था, मेरा मन नहीं था, बस मैंने फॉर्म फिल किया था एनालिसिस के लिए, तो मैं ऐसे ही जस्ट देने चला गया था। फिर भी देखिए 97.64 परसेंटाइल यहाँ पर मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, आपका अगर सिलेक्शन होता तो यहाँ पर लिखा होता यू आर शॉर्ट लिस्टेड, बट यहाँ लिखा है नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर टू स्किल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत ही हाई गया है दोस्तों, और मेरा एससी कैटेगरी में फिर भी देखिए कितना कट ऑफ गया, ठीक है। जनरल वाले तो मतलब रो रहे हैं क्योंकि 99 कट ऑफ चला गया है। तो यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट विंडो के ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपकी कट ऑफ ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ, ये कट ऑफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप वहाँ से ले लेना। तो देखिए, जो आपकी कट ऑफ गई है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ये इंग्लिश टाइपिंग के लिए। अगर आपका और किसी पोस्ट का है तो आप और किसी पोस्ट पर क्लिक करके रिजल्ट चेक करके कट ऑफ पर चेक करेंगे तो आपको चेक कर लेंगे। तो यहाँ यूआर का देखिए 99.35 गया भाई, देख सकते हो आप, मतलब कितना, मतलब 74 पॉइंट समथिंग समथिंग आपके मार्क्स बनने होंगे। मैंने अपना कैलकुलेट जो मार्क्स किया था, मैं आपको अपने मार्क्स दिखाता हूँ कितना बनना था मेरा। तो दोस्तों देख सकते हैं, मेरा जो मार्क्स बनना था वो 73.23 बनना था आउट ऑफ 75। फिर भी देखिए यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कितनी हाई कट ऑफ हुई है। तो जनरल वालों की भी लगभग यही कट ऑफ हमें देखने को मिली है, 74 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। तो देख सकते हैं आप कितना हाई कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर देखिए, जो ऐसे कैटेगरी का 97.96 है और मेरा 64 है, पॉइंट में 64 है, इसका 96 है। और एसटी की बात करें तो 94.85 परसेंट है, और ओबीसी का देखिए 98.98 है, यानी कि लगभग 74 नंबर ही आप मान के चल सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का भी 98.85 है, तो यहाँ पर भी वही 74 नंबर के आसपास आप मान सकते हैं। तो मतलब कोई सी भी कैटेगरी आप ले लीजिए तो उसका जो कट ऑफ है वो 71 से प्लस ही आपको देखने को मिला है। यहाँ पर भी देखिए, जो एक्स सर्विस एंड पीडब्ल्यूडी है उनका भी देखिए बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर देखने को गया है। तो इस ये जो कट ऑफ है दोस्तों, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक वगैरह सारी वही है जिससे मैंने ये भी चेक किया, तो वहाँ से जाके आप इसे चेक कर लेना। तो आप बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, और इसके टेस्ट के लिए मैं वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना, ठीक है। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, लिंक सारी टेलीग्राम पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।